हकीम गोजरी अदब गुजर कौम तक गोजरी जबान की बका वास्ते निरालो प्लेटफार्म बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमारे घर भी ऐसे ही होते हैं, अलग अलग ऐसे एक नहीं है, ये न्यूमेटिक्स के है ना, हमारे न्यूमेटिक्स गुजर जो है। हाँ, ऐसे बर्तन भी ऐसे रखते हैं, सब कुछ वैसे ही रहता है। चूल्हे भी ऐसी तीन चार चूल्हा कर लेते हैं, इससे भी आज उसमें जाए। अरे डेरे जा रहे, ये दूध रखा हुआ है चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए। मतलब देखो नेचुरल यहाँ पे हीट है, चूल्हे लेने की बढ़िया, जानवर भी अपने साथ ही रहे, बहुत बढ़िया। गर्मी में भी अच्छा मतलब लगता है। हमारे बस इतना होता है कि जैसे ये घुसे ना तो ये एक बीच में एक घर होता है और उसके चारों ओर से ऐसी रहता है, बदला होता है। तो ये उसी में एक साइड में मुर्गियां रहती हैं, एक साइड में ऐसा बड़ा सा टुकड़ा रहता है, उसके अंदर मुर्गियां रखते हैं और फिर अनाज का ऐसा रखा रहता है और ऊपर है ना ऐसा उसमें कुछ कुछ रख देते हैं, मक्के वक्के सूखे जैसे ये रखते हैं ऐसे ही रख देते हैं हमारे यहाँ। और मैरिज जब होती है, शादी ब्याह जब होते हैं तो ये जो दीवार है मतलब वो पेंट की जाती है रंग से और उसमें फुलकारियाँ बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ भी फुलकारी बनती है, वो चावल के आटे का हम लोग चूना से बनाते हैं, जो आपके यहाँ सफेद चूना निकलता है ना, ये वाला हम लोग पूरे घर को लिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें गोबर भी मिला देते हैं फिर नीचे इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, ये वही वाला किया हुआ ना सफेद मिट्टी जो है। जी जी, चूनों को तैयार किया जाता है बड़े डिजाइन से और इसमें जो मतलब लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चार जो घर हैं इसमें चार फैमिली जो है वो रह रही हैं, आठ फैमिली भी रह सकती हैं, पांच फैमिली भी रह सकती हैं, जितना वो बड़ा जितना बड़ा होगा। अभी एक ही होती है, कितना अच्छा रहता है, हंसी मजाक करें, बातचीत करें, सब कुछ एक दूसरे को। यहाँ नहीं है वो, यहाँ ऐसी जब जो ये जगह होती है, कई कई जगहों पर आग जलाने के लिए बनाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है और जब सर्दी फैमिली जो है वो और उसी में उनका एक पोर्शन मकान मतलब जो जो घर का मालिक होता है उसका होता है, वो कुर्सी वो वही बैठेगा, मेहमान इस साइड में बैठेंगे और जो हमारे देवी देवता होते हैं उनका एक कोना होता है इस टाइप से। जी जी, ये कौन सा आपका? अरुणाचल में गोलू 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 बोल रहे हो क्या है? गालो गालो ट्राइबल जनजाति में। हाँ जी जी, गालो टाइप का होता है जी उनका, क्योंकि उधर तो बांस होता है तो वो बांस का ही पूरा घर होता है। जी जी, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको ये दिखा ले, वही देखना चाहते हैं क्योंकि घाट जैसे ही हम लोग अंदर आए ना इधर तो घाटी में पूरा ऐसे देख रहे हैं घर, मैंने कहा कि ऐसा घर है तो ऐसे ही घर की कल्पना वहाँ भदरवा के लिए की थी। जी 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 जी, वहाँ पे घर का कंस्ट्रक्शन दूसरा है, ये घर के जो है बहुत सारी चीजें कॉमन है। हाँ, बहुत सारी चीजें कॉमन है, ये घर के मुखिया है। मुखिया है कल भी मिली थी वहाँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थारो थारो के नाम मेरा नाम आलम हुसैन। अच्छा अच्छा, कैसे लोगो तुम ना जी? मारो बहुत बड़ो अच्छो लोगो। जी जी, सब जो अच्छो यो लोगो कि लोग जरा मारी बुलादरी का कभी डिठा नहीं था, अज हमने देख लिया। जी जी जी, सब दी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि लोग आए तो मारी बुलादरी आए मगर कभी देखा नहीं था। जी जी, कल गांव मैंने देखा ना हमारे बिच आया है। जी जी, मारा ट्रैवल का जी। हां, ट्रैवल का जी, लोग मारा है। इनकी भी वही प्रॉब्लम है जड़ी मारी प्रॉब्लम है। मारी प्रॉब्लम ते वही जड़ी मसला है, वही उसी तरह का
जड़ा इन्हें मुश्किलात हैं, इसी तरह जंगलों में इनकी आबादी है और इसी तरह जड़ी माल मेसी कोई लोग रखें तो जंगलों में जड़ी वह खेती करें जड़ी शिफ्ट कल्टीवेशन जिस तरह कहें कि कोई और कल्टीवेशन कह तो कुल मिला के मारो जो इनको तो मारो जो खाई वो है रहन सहन है वो एको जो है तो कहानी भी एक ही है। खासकर मारी जड़ी कौम है जी ट्रैवल विच स्टूल ट्रैफ हो गो जाया ट्रैवल का जरा जो मसलो हमने इनके समझियो हाँ जी हाँ जी ये हमारी आवाज़ है जी खासकर कितने बुझती नहीं जी जी हम यह सोचा कि इनकी वजह दे हो सके हमारी भी आवाज़ कितने पुजे जी जी तो हम ही किसी मकाम पर पुजा जी 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 हम आए इसीलिए कि हम सब अलग अलग रहते हैं ना अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो सब कम से कम एक साथ मिले जुले तो हमारी जो जितनी प्रॉब्लम है सब हम एक दूसरे के साथ बांटे और इकट्ठे हों इकट्ठे परिवार से आए हमारी आवाज ज्यादा मजबूत अकेले अकेले बोलेंगे तो कोई हमारी सुनेगा नहीं सारे लोग मिलके बोलेंगे तो आवाज हमारी होगी और लोग सुनेंगे। मैं तो जनाब इन्हें गुजारिश करूँ कि अभी फिलहाल दो महीना त्रै दे बाद जिसमें हमारा लोग जा गए जम्मू सांबा पंजाब हमारिया बस्तियों तुम ले गए दोबारा मौको रखे और दौरों लावे फिर जाके तांगे इस वक्त कुछ लोग हमारा इतने दोबारा हमारी बस्तियों में आइए सांबा कठुआ जम्मू आरसपुरा हर जगह हमारा लोग उस टाइम किट्ठा हुआ कि समझ के पहला दूआ महीना त्रीया उन दिनों में मैं गुजारिश करूँ जनाब ना कि दोबारा हमारा एक प्रोग्राम रखा जाए ताकि पता लग जाए तम लोगों ना भी कि हमारी आबादी है कितनी के तुम अपना नाम दसेगा ताकि हम मैं आलम हुसैन केड़ा है बाणिया 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 ठीक है विजयपुर गुजर बस्ती जी जी बहुत कम से कम मारो 300 कुंभो अच्छा अच्छा विजयपुर जम्मू सिर्फ विजयपुर एक जगह बेची जी सिंह सांबा बिच मतलब नोबेडिक से है ये नोबेडिक से जो सीजनल जो है मालवेसी के साथ यहाँ आते हैं फिर सर्दियों में जम्मू चले जाते हैं और ये विजयपुर से है जम्मू में वहाँ विजयपुर में रहते हैं वहाँ इनकी 300 फैमिलीज हैं जी 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 बाणिया 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 जो है सब कास्ट है गुजर के बीच में बाणिया बाणिया गुजर वहाँ इनकी 300 फैमिलीज हैं। तो मैडम आप अपना नाम बता दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि आप जी मैं डॉक्टर किरण भट्टी मध्य प्रदेश से हूँ गोंड जनजाति से भोपाल में रह रही हूँ और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ और मेरा काम भी है हमारे बीच में अपनी पहचान को ढूंढ लेना ऐसा लगता है कि हम बिखरा परिवार बहुत इधर उधर फैले हुए हैं तो यही कोशिश होती है कि मैं अपने भाई बहनों से मिलते रहूँ अपने आप को पहचान मेरी मुश्किलों को साझा करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं वंदना टेटे हूँ झारखंड रांची से हूँ और यहाँ पर आई हूँ आदिवासी कार्यशाला में सारे पार्टिसिपेंट को लेकर के और हम अपने जो यहाँ के हमारे भाई बंदे हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के उन लोगों से मिलने उनसे परिचय बढ़ाने ताकि हम सारे लोग एकजुट हो सके और अपनी जो भी समस्याएं हैं अपनी जो भी उन्नतियां हैं उनको साझा कर सकें। जी जी मैं जान मोहम्मद हकीम यहाँ का हूँ और मैं हम मेज़बान हैं ये हमारे मेहमान हैं अन्ना टेटे और डॉक्टर किरण साहिबा और ये आलम साहिबा बानी आलम साहब बानिया हैं। तो हम डॉक्टर साहब साहिबा आपका और अन्ना जी आपका बहुत बहुत मुश्किल है कि आप हमारे बीच में आए और आपने हरी अपनी टाइप की बातें हमारे शेयर की। इंशाल्लाह हम फिर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।